हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK एग्रीकल्चर क्लासेस पर। आज हम लेकर आए हैं BSc एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और ये चैनल आपको पेपर के बाद भी काम आने वाला है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुलाब के प्रवर्धन हेतु उत्तर भारत के लिए प्रसिद्ध मूल ग्रंथ कौन सा है। तो इसका प्रसिद्ध मूल ग्रंथ होता है रोजा इंडिका और रोजा बार बोनियाना। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल के लिए उपयुक्त मूल ग्रंथ कौन सा है। तो इसका उपयुक्त मूल ग्रंथ रोजा मल्टीफ्लोरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाब के फल को क्या कहा जाता है। तो गुलाब के फल को हिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुलाब के हिप्स फल में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका की रोज कैपिटल गुलाब की राजधानी किसे कहा जाता है। तो इसे टाइलर टेक्सास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जेरानियोन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जेरानियोन का रासायनिक सूत्र C10H15O होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुलाब के इत्र के प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो गुलाब के इत्र के प्रमुख तत्व सुगंधित एल्कोहल जेरानियोन और आइसोप्रोपाइनोल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आजकल 70 से 80 परफ्यूमरी कहाँ पैदा होती है। तो यह बुल्गारिया में कजान लुक के पास रोज वैली में पैदा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 ग्राम तेल पैदा करने के लिए कितने फूलों की आवश्यकता होती है। तो 1 ग्राम तेल पैदा करने के लिए 2000 फूल की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुलाब में परफ्यूमस बनाने की तकनीक का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो यह पर्सिया ईरान है। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुलाब के खतरनाक कीट कौन से हैं। तो गुलाब के खतरनाक कीट रेड स्केल फ्ली बीटल एफिड काटनी कुसन स्केल आदि हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुलाब की रोग प्रतिरोधी और सर्दी के प्रति सख्त प्रजाति कौन सी है। तो यह है बक गुलाब। लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के ग्रिफिथ वक ने इसका विकास किया। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 एकड़ रोपण है तो कितने कौमास की आवश्यकता होती है। तो 0.8 से 1 लाख कौमास की आवश्यकता होती है। 0.8 से 1 लाख कौमास की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रेस तुषार मोली पालमपुर क्वीन पालमपुर प्राइड किस फूल वाली फसल से संबंधित हैं। तो यह ग्लेडियोलस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लेडियोलस की लगभग कितनी प्रजातियाँ हैं। तो ग्लेडियोलस की लगभग 260 प्रजातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्लेडियोलस की खेती के लिए उर्वरक की आवश्यकता बताइए। तो ग्लेडियोलस की खेती के लिए उर्वरक की मात्रा होती है, मृदा की तैयारी के समय 30 किलोग्राम P2O5 50 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 1 महीने बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग उचित रहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नोवा लक्स वाइट प्रोस्पेरिटी जेस्टर गोल्ड आदि महत्वपूर्ण किस्में का संबंध किससे है। तो ये ग्लेडियोलस से है। अगली खेती हमारी है रजनीगंधा। तो रजनीगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। रजनीगंधा का वैज्ञानिक नाम फोलियंथीज ट्यूबरोजा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रजनीगंधा किस परिवार से संबंधित है। तो रजनीगंधा अमरीलिडिएसी परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो रजनीगंधा का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको है, उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्यूबरोज शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ट्यूबरोज शब्द लैटिन शब्द ट्यूबरोजा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फूला हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, रजनीगंधा का क्या अर्थ है। तो रजनीगंधा का अर्थ है रात की सुगंध, रजनी रात गंधा सुगंध। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत में ट्यूबरोज को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे
सुगंध राजा के नाम से जाना जाता है, सुगंध का राजा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है फ्लोरिकल्चर से है, तो फ्लोरिकल्चर से पहला क्वेश्चन है ताजमहल किसने बनवाया था, तो ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, विश्व में कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो कटे हुए पुष्पों का सबसे बड़ा उत्पादक देश नीदरलैंड है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, कटे हुए पुष्पों कट फ्लावर्स का उपयोग किस देश में सर्वाधिक है, तो स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक होता है इसका उपयोग। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, सबसे पुराना बरगद का पेड़ भारत में कहाँ स्थित है, तो सबसे पुराना बरगद का पेड़ भारत में भारतीय वनस्पति गार्डन शिवपुर कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, विश्व के पुष्प बाजार में भारत की कितनी भागीदारी है, तो 0.6% भागीदारी है, 0.6%। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, भारत में किस पुष्प का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो चमेली का पुष्प क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों, कटे हुए गुलाब के फूलों का उपभोग किस दिन सर्वाधिक होता है, तो कटे हुए गुलाब के फूलों का उपभोग वैलेंटाइन डे के दिन सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों, कौन सा देश भारत में सर्वाधिक पुष्प उत्पादों का आयात करता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका देश भारत में सर्वाधिक पुष्प उत्पादों का आयात करता है। अगला क्वेश्चन हमारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जीवित पौधों का प्रति व्यक्ति उपभोग अधिकतम किस देश द्वारा होता है, तो यह नॉर्वे द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन सा पेड़ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो एंथोसिफेलस कदम्बा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जापान का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो जापान का राष्ट्रीय पुष्प डहेलिया है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जूही का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो जूही का वैज्ञानिक नाम जैस्मिनम ओरिकुलेटम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जैस्मिन की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो जैस्मिन की लगभग 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जैस्मिन शब्द कहाँ से आया, तो जैस्मिन शब्द पर्शियन अक्षर यस्माइन से आया। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जैस्मिन चाय कहाँ उपभोग की जाती है, तो जैस्मिन चाय चीन में उपभोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संस्कृत भाषा में जैस्मिन को क्या कहा जाता है, संस्कृत भाषा में जैस्मिन को मल्लिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, तमिल भाषा में जैस्मिन को क्या कहा जाता है, तो तमिल भाषा में जैस्मिन को मालिगाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिटी ऑफ जैस्मिन मालिगाई मानगर किस देश शहर को कहा जाता है, तो यह मदुरई शहर तमिलनाडु को कहा जाता है। आगे देखते हैं कुछ अन्य फूल वाली फसलें, तो पहला क्वेश्चन है, जरबेरा का प्रथम वैज्ञानिक वर्णन किसने किया था, तो इसका वैज्ञानिक वर्णन जेडी हुकर 1889 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जरबेरा का वैज्ञानिक नाम बताइए, जरबेरा का वैज्ञानिक नाम जरबेरा जेम्सोनी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कार्नेशन का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थल है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, गहरा लाल कार्नेशन किसका प्रतीक है, तो गहरे प्यार का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लिली किस परिवार से संबंधित है, तो लिली लिलियेसी परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, जरबेरा में प्राकृतिक रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो जरबेरा में प्राकृतिक रूप से कुमेरिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ओरिगोटेड कार्नेशन किसका प्रतीक है, तो ये दुख का प्रतीक है, रिग्रेट। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लिली का प्रवर्धन किस भाग से होता है, तो लिली का प्रवर्धन बल्ब द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्राइजेंथिमम इंडिका किस कुल से संबंधित है, तो एस्टरेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्राइसेंथेमम शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो क्राइसेंथेमम शब्द ग्रीक भाषा शब्द क्राइसस से लिया गया है, स्वर्ण। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आर्किड किस कुल से संबंधित है, तो आर्किड ऑर्किडियेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों,
आर्किड नाम कहाँ से लिया गया? तो आर्किड नाम आर्किस वंश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आर्किड का सबसे बड़ा जिनेरा कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा जिनेरा बल्बो फाइलम है, 2000 स्पेस। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, आर्किड एक फूल वाली फसल है, तो ये एक परपरागित फूल वाली फसल है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन से आर्किडस में हरित लवक नहीं पाया जाता है? तो जियोसिया और कोरा लोराइजा, ये पुष्प तत्व माइकोराइजा मृदा कवक द्वारा प्राप्त करते हैं, इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आर्किडस दो पैटर्न्स पर उगाए जाते हैं, तो दो पैटर्न्स होते हैं, मोनोपोडियल या सिम्पोडियल। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, केटलया आर्किड किस पैटर्न पर उगाए जाते हैं? तो केटलया आर्किड सिम्पोडियल पैटर्न पर उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, वांडा व वनीला आर्किड किस पैटर्न पर उगाए जाते हैं? तो ये मोनोपोडियल पैटर्न पर उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बोगनविलिया किस कुल का पौधा है? तो बोगनविलिया निक्टेजिनेसी का कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बोगनविलिया का उत्पत्ति स्थल क्या है? तो इसका दक्षिण अमेरिका है उत्पत्ति स्थल। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बोगनविलिया पौधे की खोज किसने और कब की थी? तो बोगनविलिया पौधे की खोज फ्रेंच वनस्पति वैज्ञानिक फिलिबर्ट कॉमर्सन ने, फ्रेंच नेवी एडमिरल व निर्यातक लुइस एंटोनी डी बोगनविले के साथ मिलकर सन 1768 में ब्राज़ील में किया गया, इसकी खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस खेती से लिया गया है। तो ग्लेडियोलस का पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लेडियोलस किस कुल से संबंधित है? तो ग्लेडियोलस इरिडिएसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इरिडिएसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्लेडियोलस शब्द लैटिन शब्द ग्लेडियस से लिया गया, इसका अर्थ होता है तलवार। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ऑस्कर किसकी किस्म है? तो ऑस्कर जो होती है वो ग्लेडियोलस की किस्म होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्लेडियोलस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसे स्वॉर्ड लिली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किससे किया जाता है? तो इसे छोटे कॉमर्स द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मेलोडी मयूर सुचिता और पूसा सुहागिन किसकी किस्म है? तो ये ग्लेडियोलस की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नेनस किस्म का संबंध किससे है? तो ये ग्लेडियोलस से है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्लेडियोलस का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? तो ग्लेडियोलस का उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्लेडियोलस किसका प्रतीक है? तो ग्लेडियोलस शक्ति व ताकत का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस में गुणसूत्र संख्या होती है? तो ग्लेडियोलस में गुणसूत्र संख्या 2n = 30 होती है, 2n = 30 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्लेडियोलस की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? तो यह 6 से 7 पीएच मान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ग्लेडियोलस की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो यह बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कौन से लूज फ्लावर का उपभोग सर्वाधिक होता है? तो गेंदा का उपभोग सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेसिया आर्नोबिल्डी है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? तो ये बोल्फिया का सबसे छोटा पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सबसे छोटा बीज किसका होता है? तो सबसे छोटा बीज आर्किड का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सबसे बड़ी घास कौन सी है? तो सबसे बड़ी घास जो होती है वो बांस होता है, बम्बूसा। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, फूलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फूलों का राजा जो है वो गुलाब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, डॉक्टर बी पी पाल का संबंध किस फूल से है? तो डॉक्टर बी पी पाल का संबंध गुलाब से है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, फ्लावर ब्लॉक फूल वाली घड़ी का संबंध किस गार्डन से है? तो लाल बाग गार्डन बेंगलुरु से है, तो लाल बाग गार्डन बेंगलुरु में है। अगला क्वेश्चन हमारा गुलाब से लिया गया है, तो गुलाब की खेती, पहला क्वेश्चन है, रोज नाम किस भाषा से लिया गया है? तो रोज नाम लैटिन शब्द रोजा से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, गुलाब किस कुल से संबंधित है? गुलाब रोजेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि सील्ड कलिकायन या टी कलिकायन होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुलाब की खेती किस उद्देश्य के लिए की जाती है? तो भारत में गुलाब की खेती कट फ्लावर, गुलकंद, गुलाब जल आदि के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गुलकंद तैयार करने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों व शर्करा का कितना अनुपात लिया जाता है? तो इसका अनुपात 1:1 लिया जाता है, 1:1। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, प्रथम हाइब्रिड टी गुलाब ला फ्रांस का विकास किसने किया था? तो इसका विकास गुइलोट ने 1867 में किया था फ्रांस में। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, पेपर फ्लावर किसे कहा जाता है? तो पेपर फ्लावर बोगनविलिया गलावा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बोगनविलिया लगभग कितनी ऊंचाई तक वृद्धि करता है? वह 1 से 12 मीटर तक वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फ्रेंच गेंदा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टेगेटस पिटूला इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अफ्रीकन गेंदा का वैज्ञानिक नाम बताइए? तो अफ्रीकन गेंदा का वैज्ञानिक नाम टेगेटस इरेक्टा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गेंदा किन फसलों के लिए सहचर खेती के रूप में उगाया जाता है? तो टमाटर, बैंगन, तम्बाकू, मिर्च व आलू के लिए उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत में गेंदा की कौन सी स्पीसीज उगाई जाती है? तो भारत में गेंदा की टेगेटस इरेक्टा, टेगेटस पिटूला और टेगेटस टेन्यूइफोलिया किस्में स्पीसीज उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गेंदे की पंखुड़ियों में नारंगी पीला कैरोटीनॉइड पाया जाता है, उसे कहलाता है वह लूटेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कैलेंडुला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे पोर्ट मोरीगोल्ड मेरीगोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कैलेंडुला का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एंटीरिनम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे स्नैपड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्नैपड्रैगन किस कुल का पौधा है? तो स्नैपड्रैगन प्लांटागिनेसी कुल का पौधा है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चाइना एस्टर का वैज्ञानिक नाम क्या है? चाइना एस्टर का वैज्ञानिक नाम कैलिस्टेफस चाइनेंसिस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तमिलनाडु में रजनीगंधा को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु में रजनीगंधा को संबंगिया नीला संबंगी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बंगाली भाषा में ट्यूबरोज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रोजोनी गंधा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है रात की सुगंध। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ईरान में रजनीगंधा को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान में रजनीगंधा को गोले मरियम या मेरी फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया में ट्यूबरोज को किस नाम से जानते हैं? तो इंडोनेशिया में ट्यूबरोज को बंगा सीडे मालाम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर में रजनीगंधा को क्या कहा जाता है? तो सिंगापुर में रजनीगंधा को ये लाई जियांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रजत रेखा किसकी किस्म है? तो यह रजनीगंधा की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबरोज का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो यह ट्यूबर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिकन सिंगल डवार्फ और पर्ल डबल किसकी किस्में हैं? तो यह ट्यूबरोज की किस्में होती हैं। अगली खेती है चमेली की, तो शुरू करते हैं चमेली की खेती। चमेली या इटालियन जैस्मिन का वानस्पतिक नाम बताइए? इसका वानस्पतिक नाम जैस्मिनम ग्रैंडी फ्लोरम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चमेली किस कुल से संबंधित है? तो चमेली ओलियेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, मोगरा या मोतिया का वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
मोगरा या मोतिया का वैज्ञानिक नाम जैस्मिनम सम्बैक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नावा मल्लिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका जैस्मिनम आर्बोसेंस होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्वर्ण चमेली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो स्वर्ण चमेली का वैज्ञानिक नाम जैस्मिनम ह्यूमाइल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, फ्लॉक्स का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो फ्लॉक्स का वैज्ञानिक नाम फ्लॉक्स डेमुंडी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस देश में गुलाब का तेल सर्वाधिक पैदा किया जाता है? तो यह बुल्गारिया में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सर्दियों में प्रभावी रंग कौन सा है? तो यह लाल प्रभावी रंग होता है सर्दियों में। गर्मियों में कौन सा रंग प्रभावी होता है? तो गर्मियों में पीला रंग प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बायो एस्थेटिक प्लानिंग अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की? तो यह लेंसलोट होगवेन ने प्रतिपादित की। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कॉटेज गार्डन अवधारणा किसने दी थी? तो यह जी जेकेल ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, बारादरी किस गार्डन का रूप है? तो बारादरी मुगल गार्डन का रूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता किस शैली का उदाहरण है? तो यह इंग्लिश शैली का उदाहरण है। आइए नीचे देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण बगीचे। तो महत्वपूर्ण बगीचे जो हैं वो प्रमुख बगीचे हैं और स्थान, ये प्रमुख बगीचे और स्थान है। तो वृंदावन बगीचा कहाँ है? तो वृंदावन बगीचा मैसूर में है। अगला है, लाल बाग बगीचा कहाँ है? तो लाल बाग बगीचा बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला है, सिम्पॉर्क बगीचा, तो सिम्पॉर्क बगीचा कुन्नूर तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, द वायरेंट पार्क, तो द वायरेंट पार्क कोडिकनाल तमिलनाडु में है। अगला है, भारतीय वनस्पति बगीचा, तो यह शिवपुर कोलकाता में है। अगला है, लाहौर वनस्पति बगीचा, तो यह दार्जिलिंग में है। अगला है, राष्ट्रीय वनस्पति बगीचा, तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अगला है, राष्ट्रपति भवन बगीचा, तो यह नई दिल्ली में है। अगला है, बुद्धा जयंती पार्क, तो यह नई दिल्ली में है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, गुलाब एक गुलाब है, गुलाब है गुलाब है कथन किसका है? तो यह कथन ग्रुटोड स्टेन का है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, गुलाब प्राचीन काल से किसका प्रतीक रहा है? तो गुलाब प्राचीन काल से प्यार और सुंदरता का प्रतीक रहा है। अगला क्वेश्चन है, वलेज किसकी किस्म है? तो वलेज आरोही गुलाब की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ और मोंटेजुमा किसकी किस्म है? तो ये ग्रैंडी फ्लोरा गुलाब की किस्म है। अगला क्वेश्चन है, आइसबर्ग तुस्कानसन डेंटीमेड किसकी किस्म है? तो ये फ्लोरिबिंडा गुलाब की किस्म है। अगला है, सेसिल ब्रूनर रेड फेरी पिंक फेरी किसकी किस्म है? तो ये पोलियंथा गुलाब की किस्म है। अगला है, नोइसेट गुलाब की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो नोइसेट गुलाब की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गुलाब का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में गुलाब का सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश नीदरलैंड है। अगला है, गुलाब की खेती में कौन सा देश अग्रणी है? तो नीदरलैंड अग्रणी है। लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि पर गुलाब की खेती की जाती है नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेड हैंडिंग क्या है? तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें गुलाब के खराब फूलों को अलग करना होता है, जिससे फूलों की गुणवत्ता बनी रहे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पीला गुलाब किसका प्रतीक है? तो पीला गुलाब मित्रता और देखभाल का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, लेवेंडर गुलाब किसका प्रतीक है? तो लेवेंडर गुलाब पहली बार देखा और प्यार हो गया इसका प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, काला गुलाब देने का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है संबंधों या विचारों की मृत्यु। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।